बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू मेडिकल मेडिक्स। टुडे टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज इंटरनल कैप्सूल। जब हम इंटरनल कैप्सूल की बात करते हैं तो ये एक लॉन्ग लार्ज बैंड होता है फाइबर्स का, जो कि प्रेजेंट होता है इन्फीरोमीडियल पार्ट ऑफ द ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो जब हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स को डिस्कस कर रहे थे तो हमने कुछ इस तरह की एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ा था, जिसमें हम जब क्रोनल सेक्शन लेते हैं तो हमें कुछ ये दो इंटरनल कैप्सूल्स नज़र आते हैं। दीज आर द इंटरनल कैप्सूल्स। अब ये एक फाइबर्स पर मुश्तमिल एक बैंड होता है जो कि प्रेजेंट होता है इन्फीरोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। दीज आर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, उसके इन्फीरोमीडियल एस्पेक्ट पर ये प्रेजेंट होते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि इंट्रोडक्टरी बात जब हम करते हैं तो ये लार्ज बैंड ऑफ फाइबर्स होता है जो कि इन्फीरोमीडियल पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर पे प्रेजेंट होता है। इसकी शेप की बात करें तो जब हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेते हैं ब्रेन का, यानी कुछ इस तरह से सेक्शन लेके जब हम देखते हैं तो हमें इसकी शेप वी शेप नज़र आती है। इस डायग्राम में भी देख लेते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, दिस वन इज़ द इंटरनल कैप्सूल। अब इस इंटरनल कैप्सूल की शेप हम देख सकते हैं कि वी शेप है। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि जब ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन है बेसिकली, यानी हॉरिजॉन्टली कट करके हम ऊपर वाली साइड से देख रहे हैं तो इसकी शेप वी शेप है। और जो इसकी कनकेविटी है, दिस वन इज़ द वी शेप इंटरनल कैप्सूल और ये इसकी कनकेविटी है। अब इसकी जो कनकेविटी है वो लेटरल साइड पर रन कर रही है, यानी ये मीडियल साइड है और ये लेटरल साइड है। तो लेटरली हम देख सकते हैं कि इसकी कनकेविटी प्रेजेंट है और इस कनकेविटी के अंदर हमारे पास जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। अब इस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास होते हैं मीडियली ग्लोबस प्लाइडस, दीज आर द ग्लोबस प्लाइडस, और लेटरली होते हैं प्यूटामन। तो ये इसकी कनकेविटी की बात होगी। उसके बाद वो ये कहते हैं कि इसके अंदर फाइबर्स होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड या अदर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन स्टेम से आ रहे होते हैं टुवर्ड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। उसके अलावा इसके अंदर वो वाले फाइबर्स भी होते हैं जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स से नीचे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जा रहे होते हैं। यानी जब हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स की जब हमने बात की थी तो इस वाली डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि ये डोर्सल कोलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम है। इसमें भी जो फाइबर्स थे असेंडिंग फाइबर्स वो इधर से गुजर रहे थे। उसके अलावा हमने ये वाला ट्रैक भी डिस्कस किया था, इसके अंदर भी यहाँ से फाइबर इंटरनल कैप्सूल से गुजर रहे हैं। उसके अलावा हमने ये वाला ट्रैक भी डिस्कस किया था, इसमें भी यहाँ से फाइबर्स गुजर रहे हैं। उसके अलावा हम जितने भी मेजर ट्रैक्स को डिस्कस करते हैं इसमें इसके अंदर से हमारे पास फाइबर्स गुजर के जा रहे होते हैं। अब ये जो फाइबर्स होते हैं ये बेसिकली इंटरनल कैप्सूल की कुछ लिम्ब्स के अंदर जा रहे होते हैं। इसकी एक होती है एंटीरियर लिम्ब, एक इसका होता है जीनू, यानी ये जो टर्निंग पॉइंट होता है इसको हम जीनू बोलते हैं, और एक इसकी पोस्टीरियर लिम्ब होती है। ये पोस्टीरियर लिम्ब है, ये एंटीरियर लिम्ब है और ये जीनू है, और इसके दो और पार्ट्स भी होते हैं, इसको हम बाद में देखते हैं। तो ये हमने इस पॉइंट को डिस्कस कर लिया कि इसके अंदर डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ट्रैक्स पास कर रहे होते हैं, उनके फाइबर्स पास कर रहे होते हैं। उसके बाद वो ये कहते हैं कि वन ट्रैक अपवर्ड फाइबर्स ऑफ द कैप्सूल डाइवर्ज एंड आर कंटिन्यूस विद द क्रोना रेडिएटा। क्रोना रेडिएटा बेसिकली क्या होता है कि जो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे जब जाना होता है उन्होंने इंटरनल कैप्सूल से निकल कर, अब इस वाले डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये इंटरनल कैप्सूल है, यहाँ से जो फाइबर्स निकलेंगे वो ऊपर की तरफ ऐसे डाइवर्ज करेंगे। तो इन डाइवर्जिंग फाइबर्स को हम बोलते हैं क्रोना रेडिएटा। ये आगे की तरफ रेडिएट कर रहे हैं, क्रोना रेडिएटा मतलब आगे की तरफ रेडिएट कर रहे हैं इंटरनल कैप्सूल से निकल कर, तो इन फाइबर्स को हम बोलते हैं क्रोना रेडिएटा। उसके अलावा वो ये कहते हैं कि वन ट्रेस डाउनवर्ड इट्स फाइबर कन्वर्ज एंड मैनी ऑफ देम आर कंटिन्यूस द क्रस्ट सेरिब्राय ऑफ द मिड ब्रेन। तो जब हमने मिड ब्रेन का ट्रांसवर्स सेक्शन डिस्कस किया था तो उसमें हमने देखा था कि हमारे पास प्रेजेंट थे क्रस्ट सेरिब्राय। डायग्राम में देख सकते हैं कि दिस वन इज द ट्रांसवर सेक्शन ऑफ द मिड ब्रेन। तो एंटीरियर एस्पेक्ट पे हमने बात की थी कि दीज आर द क्रस्ट सेरिब्राय। अब इस क्रस्ट सेरिब्राय से जो डॉटेड हमें नजर आ रहे हैं, दीज आर द फाइबर्स विच आर कमिंग फ्रॉम द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड फ्रॉम द अदर स्ट्रक्चर इन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो ये जो फाइबर्स होते हैं ये पास करते हैं इन क्रस्ट सेरिब्राय से। तो इंफीरियर एस्पेक्ट पे हमारे पास प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन। इस वाले डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इन्फीरियरली प्रेजेंट है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट। तो मिड ब्रेन के इंटीरियरली हमने बात की है क्रस्ट सेरिब्राय नीचे की तरफ
कन्वर्ज होके ये जो फाइबर्स होते हैं वो पास करते हैं क्रस सेरिब्राई ऑफ द मिड ब्रेन से। नेक्स्ट हम इसके पार्ट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो इसके पार्ट्स की जब हम बात करते हैं तो इसके बेसिकली पांच पार्ट्स होते हैं। एक इसकी एंटीरियर लिम्ब होती है, एक इसका जीनू होता है, एक इसकी पोस्टीरियर लिम्ब होती है, एक इसका सब लेंटिफॉर्म पार्ट होता है और एक इसका रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी एंटीरियर लिम्ब की। सो दिस वन इज़ द एंटीरियर लिम्ब। अब ये एंटीरियर लिम्ब किन दो स्ट्रक्चर्स के दरमियान प्रेजेंट है? लाई बिटवीन द हेड ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। इसके लैटरल साइड पर हम देख सकते हैं कि लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इसके मीडियल साइड पर हम देख सकते हैं कि हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जो बेसिकली कॉर्डेट न्यूक्लियस होता है वो सी शेप होता है और इस सी शेप इसकी कनकेविटी कुछ इस तरह से रन कर कर, यानी ऊपर की साइड यहाँ पे हेड होता है, हेड ऐसे की तरह रन करके इसके इन्फीरियर एस्पेक्ट पर चला जाता है। तो इसका यहाँ पे हेड इसका मीडियल साइड पे प्रेजेंट होता है, यानी एंटीरियर लिम्ब बेसिकली प्रेजेंट होती है बिटवीन द हेड ऑफ क्वाड्रेट न्यूक्लियस एंड द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। अब हम इसको 3D डायग्राम से भी देख सकते हैं कि दिस वन इज़ द प्यूटामेन। प्यूटामेन ये प्रेजेंट है। जब हम इसको हाइड करते हैं तो इसके नीचे हमें नज़र आते हैं ग्लोबस प्लाइडस। दीज आर द ग्लोबस प्लाइडस। अब इसके ऊपर हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पर हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस, दिस वन इज़ द कॉर्डेट न्यूक्लियस। उसका ये वाला जो पार्ट है दिस वन इज़ द हेड ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस, तो ये इसके मीडियल साइड पर आएगा और इसके लेटरली हमारे पास आ जाएगा। थोड़ा सा लेटरल साइड पर ही प्रेजेंट था ना, यहाँ पर जो प्यूटामेन और ग्लोबस प्लाइडस है वो थोड़ा सा लेटरल साइड पर प्रेजेंट है, जबकि कॉर्डेट न्यूक्लियस थोड़ा सा मीडियल साइड पर प्रेजेंट है। तो ये हमने एंटीरियर लिम्ब की बात कर ली। उसके बाद जो जीनू होती है वो बेसिकली बेंट होती है बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लिम्ब, यानी एंटीरियर लिम्ब और पोस्टीरियर लिम्ब के दरमियान ये जो बेंट होता है इसको हम बोलते हैं जीनू। पोस्टीरियर लिम्ब की बात करें तो ये प्रेजेंट होती है बिटवीन द थैलेमस, दिस वन इज द थैलेमस एंड द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, यानी थैलेमस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के दरमियान प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर लिम्ब। उसके बाद सब लेंटिफॉर्म पार्ट की बात कर लेते हैं तो ये प्रेजेंट होता है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के बिलो, यानी ये हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेकर देख रहे हैं तो हमें इसमें नज़र नहीं आ रहा। इसके बेसिकली लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के नीचे प्रेजेंट होता है सब लेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ द इंटरनल कैप्सूल। उसके अलावा रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट भी होता है, जो कि ये जो पार्ट एक्सटेंड कर रहा है, ये पार्ट एक्सटेंड कर रहा है लिमिट ऑफ द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस से आगे, यानी लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस से आगे जो पार्ट एक्सटेंड कर रहा है इंटरनल कैप्सूल का, इसको हम बोलते हैं रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ द इंटरनल कैप्सूल। तो हमने पांच पार्ट्स को डिस्कस किया। एंटीरियर लिम्ब प्रेजेंट था हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के दरमियान। जीनू बेसिकली बेंट था बिटवीन द एंटीरियर लिम्ब एंड द पोस्टीरियर लिम्ब। पोस्टीरियर लिम्ब प्रेजेंट थी बिटवीन द थैलेमस एंड द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। इसके अलावा सब लेंटिफॉर्म पार्ट को डिस्कस किया, जो कि लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के नीचे प्रेजेंट था। रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट की बात की, जो कि बिहाइंड द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है, तो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के बिहाइंड प्रेजेंट होता है। तो ये हमने पार्ट्स ऑफ इंटरनल कैप्सूल की बात कर ली। नेक्स्ट हम इसके रिलेशंस की बात कर लेते हैं। रिलेशन की जब हम बात करते हैं तो इसके मीडियल साइड पर हम देख सकते हैं कि हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस आ रहा है, दिस वन इज द हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड दिस वन इज द थैलेमस। ये दो स्ट्रक्चर इसके मीडियल साइड पर आ रहे हैं। इसके लेटरली जब हम आते हैं तो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस इसके लेटरली आते हैं और इसके और लेटरली जाएँ तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम एक्सटर्नल कैप्सूल बोलते हैं। यहाँ पर एक्सटर्नल कैप्सूल प्रेजेंट होता है और उसके भी लेटरली जब हम जाते हैं तो प्रेजेंट होता है क्लोस्ट्रम। तो ये हमने कुछ और लैटरल रिलेशंस की भी बात करी। अब हम इसको 3D डायग्राम से भी देख लेते हैं। अब इस 3D डायग्राम में हम लैटरल से मीडियल साइड पर जाएंगे तो सबसे लैटरली हम देख सकते हैं कि प्रेजेंट है प्यूटामेन, दिस वन इज़ अ प्यूटामेन। अब प्यूटामेन को जब हम हाइड करते हैं तो इसके नीचे हमें नज़र आता है ग्लोबस प्लाइडस। इस ग्लोबस प्लाइडस के भी फर्दर दो पार्ट होते हैं, एक इसका इंटीरियर पार्ट होता है और ये वाला इसका मीडियल लैटरल पार्ट होता है और एक इसका मीडियल पार्ट, दिस वन इज द मीडियल पार्ट ऑफ द ग्लोबस प्लेट। अब इसके अंदर हमारे पास फोरब्रेन का सेगमेंट आ जाता है और इसके अंदर जब हम आते हैं तो हमें नज़र आता है थैलेमस, दिस वन इज द थैलेमस, जो कि इसके मीडियल साइड पर प्रेजेंट है। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर इसके मीडियली प्रेजेंट है, दिस वन इज द कॉर्डेट न्यूक्लियस, हेड ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस इसके मीडियल साइड पर प्रेजेंट है। तो ये हमने बात कर ली जनरल पार्ट्स एंड रिलेशंस ऑफ द इंटरनल कैप्सूल। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम इसके अंदर से पास करने वाले फाइबर्स की बात करेंगे और आखिरी जो थर्ड पार्ट होगा इसके अंदर हम इसकी ब्लड सप्लाई को डिटेल से देखेंगे।
If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.